Hello students, our question states that find 5 rational numbers between 2 by 3 and 4 by 5. So, इस problem को करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ manipulation करने पड़ेंगे. तो अगर हम लोग ऐसे multiply करते हैं तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे find 5 rational numbers बोले. तो जब भी हम लोगों को कुछ ऐसे ज्यादा 5, 10 ऐसे numbers of rational numbers find करने हैं in between 2 rational numbers, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों के रैशनल, इन दो, ये दो जो रैशनल नंबर है इन दोनों का बीच का जो गैप है वो हम लोग बढ़ाएंगे. वो कैसे बढ़ाएंगे, अब देखिए ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम चीज मल्टीप्लाई करके हम लोग कोशिश करेंगे कि दोनों टर्म्स के जो डिनोमिनेटर है वो सेम आए. तो इसके साथ अगर हम लोग 20 मल्टीप्लाई करते हैं और इसके साथ में 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, तो ये 40/60 आएगा. तो ये 60 नीचे का डिनोमिनेटर कब आएगा, अगर हम लोग नीचे के साथ 12 मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर के साथ भी 12 मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नीचे 60 आएगा. तो अभी हमें इंस्टेड ऑफ 2 बाई 3 एंड 4 बाई 5 वी हैव टू फाइंड आउट फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 40/60 एंड 48/60. तो इससे जो हमें फायदा होगा वो ये होगा कि इन दोनों का रेंज ज्यादा है, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स, और इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो भी सेम है. सो डिनोमिनेटर सेम होने से हम लोग बहुत आसानी से एक ट्रिक से 5 रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं. तो ये रहे हमारे 5 रैशनल नंबर्स. तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे ये हम लोगों ने कैसे लिखा, तो हमें कोशिश करना है कि ये 40 और 48, नीचे जो डिनोमिनेटर है ये तो हमेशा 60 ही होगा, तो जो ऊपर 40 है और यहाँ पे 48 है तो हमें इन दोनों के बीच के नंबर्स चूज करने पड़ेंगे. जैसे कि 47 इज अ इन बिटवीन नंबर, देन किन दोनों के बीच में है, 40 और 48 के बीच में है, किसी भी कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं. ऐसे हम लोग 5 नंबर्स चूज करेंगे, जैसे कि 47 डिवाइड बाय क्या होगा, ऑब्वियसली 60 होगा, 46/60 होगा, 45/60 होगा, 44/60 होगा, 43/60. यहाँ पे जो सारे नंबर्स है ये सारे नंबर्स 40/60 से बड़े हैं, अगर आप गौर से देखेंगे तो ऑब्वियसली दे आर बिग देन 40/60, और 48/60 से छोटे हैं. तो ये नंबर्स इन दोनों के बीच में है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन. थैंक यू.